हाँ भाई, क्या हाल चाल। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट या मापन एवं मात्रक। इस चैप्टर की खासियत यह होगी कि बाबू आपको ना फील आएगा बहुत तगड़ा पढ़ने में, पहली बात। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और तीसरी बात, न्यूमेरिकल से अगर डर लगता है ना तो वो भूल जा, न्यूमेरिकल आज के बाद तेरे से डरेंगे, देख लेना। लेक्चर का एंड होते होते न्यूमेरिकल्स तेरे को देख के भागते हुए नजर आएंगे। शुरू करें आज के बेहतरीन लेक्चर को। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम क्या बताया मैंने, मापन एवं मात्रक। तो सबसे पहले थोड़ा शुरू करते हैं कि साहब ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या, बड़े ध्यान सुनिएगा। जैसे बेटा मैं आपको बताऊं दो बातें, कि बात नंबर 1 कि मेरी हाइट कितनी है। मान लो मेरी हाइट है भैया 5 फुट 8 इंच। कितनी है? 5 फुट 8 इंच। अब बता मैं 6 फुट का हो जाऊंगा क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो हाइट है वो एक टाइम के साथ में ही इंक्रीज होती है। यानी मैं अभी फिक्स हो चुका हूं। अच्छा सर, तो 5 फुट 8 इंच आपने ऐसा बताया, अभी समय कितना हो रहा है? टाइम। किसकी बात कर रहा हूं मैं? टाइम। कि सर इतने बज रहे हैं, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, या 6 घंटे 5 मिनट, 6:10, 8:09, जो भी टाइम होता है। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, आज तूने कितनी रोटी खाई? कि सर 2 रोटी खाई, 10 रोटी खाई, 20 रोटी खाई। अच्छा, तू कितने किलो केले लेकर आया? मैं 1 किलो केले लेकर आया। तो किलो हुआ, ये क्या है बता? किलो का मतलब द्रव्यमान। तो द्रव्यमान किसमें आएगा बेटा? तेरा फिजिक्स में आएगा। द्रव्यमान किसमें आएगा? फिजिक्स में। लेंथ किसमें आएगा? तेरा फिजिक्स में आएगा। तेरा मास किसमें आएगा? फिजिक्स में आएगा। तेरी लेंथ तेरी फिजिक्स में आएगी। एक्सेलरेशन फिजिक्स में आएगा। तू भाग रहा है कितने की स्पीड से? फिजिक्स में आएगा। तूने कितना बल लगाया? फिजिक्स में आएगा। तूने कितना वर्क किया? फिजिक्स में आएगा। तेरे पास कितनी एनर्जी है? फिजिक्स में आएगी। बात आई, समझ में नहीं आई? तो सर जो जो फिजिक्स में आएंगी वो क्या होंगी? जो जो फिजिक्स में आएंगी वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। कौन सी क्वांटिटीज होंगी भैया? फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है भौतिक राशियां। समझे बात को? अच्छा सर, दिल और दिमाग और हाथ और पैर और छोटी आंत बड़ी आंत गुर्दे, ये सारे किसके अंदर आते हैं बताओ? बायोलॉजी में आते हैं। तो नाम से जैसा पता चल रहा है आपको कि भैया पूरी जो नेचर है इसको डिवाइड कर दिया गया कुछ हिस्सों में। कुछ हिस्सों में आप बायोलॉजी पढ़ते हो और कहीं कहीं आप फिजिक्स पढ़ते हो। तो फिजिक्स में कैसी कैसी टर्मिनोलॉजी आपको सुनने को मिलेगी, उन सभी टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानने के लिए एक टॉपिक हमने लिखा है जिसको कहते हैं भौतिक राशियां, दैट मींस फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं भैया? जो फिजिक्स में आ रही हैं। कि सर कौन कौन सी आ रही हैं? थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा मेरे साथ, चलिए। बोलो, मैंने लिख दिया लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई। मैंने लिख दिया मास, मास का मतलब द्रव्यमान। मैंने लिख दिया बेटा टाइम, बता टाइम। टाइम का मतलब समय। बोलो भैया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी हैं, मैंने बल भी बताया, कार्य बताया, ऊर्जा बताया, लेकिन छोटा सा मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं। मैंने कहा कि बताइए इस बोर्ड जो है, ये जो बोर्ड है, बोर्ड की लंबाई कितनी है? मान ले तूने बोल दिया 1 मीटर, कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मीटर अपन ने ले लिया, ठीक है सर। द्रव्यमान, इस बोर्ड का द्रव्यमान कितना है? कि सर मान लो 25 किलोग्राम। और अभी समय कितना हो रहा है? कि सर सुबह, मतलब 2 घंटे। मैं कितनी देर से पढ़ा रहा हूं तुम्हारे को? मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। कितने घंटे से पढ़ा रहा हूं? 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो ये सारी क्या है बताओ? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। अब बेटा तू एक चीज नोटिस करके बताना कि सर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कैसे किया जाता है, मापा कैसे जाता है? लेंथ को हमने ऐसे नापा, या फिर 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, फुट हो सकता है। इसमें अपन किसको नापते हैं? लेंथ को नापते हैं। तो लेंथ को नापने के लिए 2 चीजों की आपको जरूरत पड़ रही है अगर आप कॉमन निकालना चाहें। एक तो पड़ रहा है बेटा ये न्यूमेरिकल वैल्यू, एक तो आपको नजर आ रहा होगा ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 1। तो एक तो मिलेगा मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा साथ में मुझे मिल रहा है मीटर सेंटीमीटर। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मात्रक। मात्रक का मतलब होता है यूनिट, यानी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीजें सब में नजर आ रही हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट। देख 25 तो न्यूमेरिकल वैल्यू किलोग्राम यूनिट, या मान ले 5 ग्राम न्यूमेरिकल वैल्यू
यूनिट 2 घंटे, 2 तो क्या हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और आवर, आवर क्या हो गया बताओ यूनिट हो गई। बोल बेटा बात आई समझ में नहीं आई। दैट मीन्स भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। इंग्लिश में ही याद रखना है आपको। दैट मीन्स सर आप ये कहना चाहते हो कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है, मान लो मैंने लिख दिया पी क्यू, फिजिकल क्वांटिटीज बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में यूनिट, ठीक है सर, तो पी को हटा दूंगा मैं, यहां पर क्या लिखता हूं क्वांटिटी बराबर एन इनटू यू। पहला फॉर्मूला याद रखिएगा कहां से आता है कि सर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में लिखा जाता है। अब बात करते हैं कि सर भौतिक राशियां किसे कहते हैं, जिनको आप आसानी से मेजर कर सको यानी नाप सको, जिनको मापा जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं या फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। किस आप कैसे, क्या इन सबको आपने माप लिया? बिल्कुल माप लिया, माप लिया तो ये सारी क्या कहलाएंगी, भौतिक राशियां कहलाएंगी। अच्छा तो सर ऐसे तो सबको नापा जा सकता है, भाई सबको कैसे नापा जा सकता है बता। मान ले मैं तेरे को प्यार करता हूं, अब तुझे कितना प्यार करता हूं मैं, कि सर कम करते हो नहीं ज्यादा करते हो, नहीं 5 का करते हो सर, 6 का करते हो, 7 का करते हो, बोल। मान ले मुझे किसी पर गुस्सा आ गया, मुझे किसी पर क्या आ गया, गुस्सा आ गया, ये स्टूडेंट है भैया मेरा और ये मैं हूं, मुझे इस पर गुस्सा आ गया, तो स्टूडेंट क्या कहेगा, आज सर को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, चुप हो जा, कहेगा नहीं कहेगा बता, आज सर को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, चुप हो जा। या इसमें कोई मेजरमेंट है कि सर को भैया 8 का गुस्सा आ गया, सर को 9 का गुस्सा आ रहा है, चुप हो जा, मारेंगे बहुत तेज, और 10 का गुस्सा होती सर चांटा सरका देते हैं, 10 वो चटा, मेजरमेंट नहीं है, बहुत तेज आ रहा है, बहुत धीरे आ रहा है, समझ में आ रही बात यार ये। तो ये सारी क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यानी जिनको मापा नहीं जा सकता, वो सारी की सारी भौतिक राशियां नहीं है, दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। याद रखिएगा, किसको नहीं नापा जा सकता, फीलिंग्स को नहीं नापा जा सकता, फीलिंग्स यू कैन नॉट मेजर द फीलिंग्स, इमोशंस, गुस्सा, प्यार, इन सबको नहीं नापा जा सकता, तो ये सारी की सारी भौतिक राशियां नहीं है। क्लियर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सब भौतिक राशियां कौन सी होंगी, यानी फिजिकल क्वांटिटीज होती कौन सी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको मापा जा सकता है, कि सर लेंथ मापा जा रहा है, टाइम मापा जा रहा है, वेलोसिटी मापी जा सकती है, कि सर मापी जा सकती है कि एक आदमी 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से इधर गया, नापी जा रही है वेलोसिटी। बल, इस पर मैंने इतना बल लगाया, इतने न्यूटन का बल लगाया, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, तो जिनको इजीली मेजर किया जा सके उन्हें तो क्या कहते हैं, भौतिक राशियां, और जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, नापा नहीं जा सकता, वो भौतिक राशियां नहीं होती हैं। एक दो सवाल आ जाते हैं यहां से, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं है, उसमें गुस्सा डाल दिया, प्यार डाल दिया, इमोशन, फीलिंग्स, क्लियर बेटा ये वाली बात। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया केवल और केवल भौतिक राशि के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब साहब जो भौतिक राशियां हैं वो तो बहुत सारी हैं, ध्यान से सुनना, भौतिक राशियां तो कितनी हैं, बहुत सारी हैं, लेंथ, मास, टाइम, सरफेस टेंशन, एक्सीलरेशन, टॉर्क, मैं पढ़ाऊं तुम्हारे को कितनी सारी हैं, इतनी सारी भौतिक राशियों को कैसे पहचानेंगे, तो इनको 2 गुटों में बांट दिया गया, कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 2 ग्रुप्स में, कि कैसे साहब, नंबर 1 तो लिख दी बेटा मूल राशियां, या जिनको कहेंगे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां, या जिनको कहेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज, या जिसको क्या कहेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, कि सर कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा। समझने के लिए एक छोटा सा वृक्ष बनाना चाहता हूं मैं आपकी नजरों के सामने। वृक्ष का मतलब मैंने एक पेड़ बना दिया, क्या बना दिया बेटा, एक पेड़, कि सर ये बना दिया पेड़ आपने, ओके, मुझे बता इस पूरे पेड़ की शुरुआत, पेड़ कहां से उगता है, कि सर यहां से उगता है, पहले तो उसमें ये वाले ऊपर वाले पत्ती आती हैं, फिर नीचे वाले आती हैं, फिर जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है तो नीचे की तरफ बड़ा होता जाता है और ये जड़ उसकी निकलना शुरू हो जाती है। ऐसे उगता है कि पेड़, ऐसे उगता है पेड़, अबे ऐसे नहीं उगता, कैसे उगता है, सबसे पहले उगलती है सर उसमें जड़, सबसे पहले क्या बनाता है पेड़, अपनी जड़ें बनाता है। जड़ बनाने के बाद पूरा का पूरा पेड़ अब किस पर डिपेंड करेगा, इसकी जड़ पर, जड़ को बोलते हैं रूट, जड़ को क्या कहा जाता है, रूट, इस पर रूट पर डिपेंड करता है। दैट मींस इस पूरे के पूरे पेड़ का
जो जड़ है, जड़ जड़ कहलाता है फंडामेंटल। क्या कहलाता है? फंडामेंटल। जिस पेड़ का फंडामेंटल जितना स्ट्रॉन्ग, वो पेड़ उतना ही ज्यादा टिका रहेगा, चाहे कितनी भी तगड़ी आंधी आ जाए, चाहे कितना भी तगड़ा तूफान आ जाए। और फंडामेंटल बेसिक्स मैथमेटिक्स का हम लोग वीडियो बना चुके हैं, इससे पहले 4 वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उसके बाद कितना भी तगड़ा न्यूमेरिकल तुम्हारी तरफ चलता हुआ आएगा, तुम्हें हिला नहीं सकता। जिस तरह ये जड़ मजबूत होने की वजह से कितनी भी तेज आंधी आ जाए, पेड़ हिल नहीं सकता, ऐसे बेटा न्यूमेरिकल को देख के तू भी नहीं हिलेगा, बल्कि न्यूमेरिकल्स को हिला देगा। समझ में आई बात नहीं आई? इसलिए नहीं देखा तो जरूर जाके देख लेना, तुम यार ऐसे मत करा करो। समझ गया? अब आ जा सुन। तो साहब मूल राशियां किसे कहते हैं? मूल राशियां या फंडामेंटल क्वांटिटीज उसे कहते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंड, इंडिपेंडेंट है। और व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं या ड्राइव क्वांटिटीज किसे कहेंगे? जो मूल राशियों से निकलेंगी। किससे निकलेंगी? जो मूल राशियों से निकलती हैं उन्हें कौन सी कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां या ड्राइव क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज कहलाती हैं बेटा? ड्राइव क्वांटिटीज। दूसरी बात सर, ये अगर इससे निकली हैं, इसका मतलब ये इस पर डिपेंड करती होंगी, तो इसकी डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियां वो राशियां हैं जो मूल राशि पर निर्भर करती हैं। बात आई? समझ में नहीं आई? अब सर हम पता कैसे चलाएंगे कि कौन सी तो मूल राशि है और कौन सी व्युत्पन्न राशि है? इसके लिए हम यहां पर आए हुए हैं, हम आपको बताएंगे बेटा। टोटल जीवन में कितनी राशि रखी गई है बेटा? 7 रखी गई है। कितनी रखी गई है? 7। उन 7 के अलावा जितनी भी क्वांटिटी आप पढ़ोगे वो सारी आंख बंद करके कौन सी कर देना? व्युत्पन्न राशियां कर देना। मैं 7 बताऊंगा तुम्हारे को, 7 के अलावा जो कुछ भी पढ़ेगा वो सारी कौन सी होगी? ड्राइव होगी। कहानी खत्म हो जाती है। बिना देर किए शुरू करते हैं, आगे की तरफ आ जाओ। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया कि कोई भी जो भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी, उसको कैसे लिखा जाता है? कि सर ऐसे लिखा जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में यूनिट। तो हमने आपको बताया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, यहां तक अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। सर न्यूमेरिकल वैल्यू तो गणित होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 1000, 2000, 5000, कितनी हो सकती है? अब बात करते हैं यूनिट के। सर यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? आ जाओ बेटा देख, थोड़ा सा मैं तेरा दिमाग लेना चाहूंगा। मान ले मैंने लिखा 1 किलोग्राम, मैंने लिखा 2 किलोग्राम, मैंने लिखा 3 किलोग्राम, बस बहुत है, मैंने लिखा 10 किलोग्राम। बोल, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग है सर, यूनिट सबकी किलोग्राम है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? सेम। कैसे पता चला है सर? किलोग्राम से, किलोग्राम 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 किलोग्राम। सर जो किलोग्राम यूनिट है ना, वो तो मास की होती है, इसका मतलब ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? मास। ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? मास। ओके, मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम आया है, और किसी का कितना आ गया बोलो? 2 किलोग्राम, और किसी का कितना आ गया? 3 किलोग्राम, और किसी का कितना आ गया? 10 किलोग्राम आ गया। अब देख एक चीज तेरे को दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, क्या तू 2 किलोग्राम को ऐसा ले सकता है 2 गुना 1 किलोग्राम? क्या 3 को ऐसे लिख सकता है क्या 3 गुना 1 किलोग्राम? क्या तू 10 को ऐसे लिख सकता है क्या 10 गुना 1 किलोग्राम? ओहो मजा ही आ गया सर, कि कैसे? देख तू देख, ऐसे ये वाली जो वस्तु है वो दुगना है किसकी? 1 किलोग्राम की। ये 3 गुना है किसकी? 1 किलोग्राम की। और ये 10 गुना है सर किसकी? 1 किलोग्राम की। ये 10 गुना है, दैट मीन्स ये 10 टाइम्स है। तो सर ये जो 1 किलोग्राम है, क्या यही यूनिट है? बिल्कुल यही क्या है? यूनिट। यानी यूनिट क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक फिक्स मान कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? एक फिक्स मान कर दिया, और उससे उसी तरह की फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है, उससे उसी तरह की। अब ऐसा नहीं तुम यहां से लेंथ को कंपेयर कर दो, नहीं, लेंथ को कंपेयर नहीं कर सकते। दैट मींस भैया ये जो यूनिट है, यूनिट क्या होती है? फिक्स वैल्यू होती है। अबे यार एक तो है ना बोर्ड पता नहीं अपडेट मांग रहा, करेंगे इसको। यूनिट क्या है भैया? फिक्स वैल्यू है किसकी? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की।
जिससे उसी टाइप की क्वांटिटी को कंपेयर किया जा सके, जिससे उसी टाइप की क्वांटिटी को कंपेयर किया जा सके उसे क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। यूनिट फिक्स वैल्यू है कि निर्धारित किया गया मान है। बात आ गई समझ में? नहीं आ गई? अब सर जो यूनिट है, यूनिट आपने बता दी भैया फिक्स वैल्यू है। इसी तरीके से तू लेंथ की ले ले, मान ले मैंने लिखा 1 सेकेंड, मैंने लिखा 2 सेकेंड, मैंने लिखा 3 सेकेंड, दैट मीन्स 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड है ही है। 2 सेकेंड को कैसे लिखूंगा, 2 गुणा 1 सेकेंड। 3 सेकेंड को लिखूंगा 3 गुना 1 सेकेंड, दैट मीन्स ये 3 गुना हो गया और ये कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। तो पता क्या चला कि भैया जो मात्रक है, मात्रक मात्रक जो है वो एक फिक्स किया गया मान है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, जिससे हम उसी प्रकार की भौतिक राशि की तुलना कर सकें और ये बता सकें कि वो उसके रेस्पेक्ट में कितनी ज्यादा भारी है या कितनी ज्यादा हल्की है, ये द्रव्यमान के लिए है। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया भैया भौतिक राशि के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूरी डिटेल आपके पास में आ चुकी है। थोड़ा सा समरी करते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ध्यान से देखिएगा कि भैया कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है, कि सर न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट से लिखा जाता है। क्वांटिटी क्या होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट यूनिट है, यूनिट क्या है, यूनिट है। समझ में आई बात? यही एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेना चाहता हूं, आ जाओ। मान के चल बेटा मैंने लिखा मास, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ली मैंने, मास, और मैं कहता हूं कि किसी वस्तु का मास 1 किलोग्राम है, कितना है, 1 kg। या कोई बच्चा अगर यूं कहे कि भैया मुझे बाजार में जाके कह दे वो कि भैया 1 किलोग्राम चीनी देना, उसने चीनी दे दी। और दूसरा बच्चा क्या कहे कि सर मुझे 1000 ग्राम चीनी चाहिए, कितनी चीनी चाहिए, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम, दूसरा कितना आता है बताओ, 1000 ग्राम। तो एक बात आप मेरे को बताइए, क्या दोनों बातें बराबर है? हाँ सर बराबर तो है, लेकिन यहां से एक चीज निकल करके आती है, फिजिकल क्वांटिटी अगर सेम है तो ध्यान से देखिएगा, इसको मान लो N1 पहला नंबर, इसको मान लो यूनिट नंबर 1, इसको मान लो N2, इसको मान लो यूनिट नंबर 2, क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। N1U1 बराबर N2U2, तो सर ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये दोनों क्या लिख दी मैंने, कांस्टेंट लिख दी। अब बेटा एक चीज आप याद रखिएगा जीवन में, ये आगे भी काम आएगी, N1U1 बराबर N2U2 बराबर N3U3 बराबर N4U4 बराबर NU बराबर कांस्टेंट, इस तरीके से लिखा जा सकता है, NU इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा सर अब ध्यान से देखना, एक चीज कर रहा हूं, N बराबर मैंने लिखा कांस्टेंट अपॉन यूनिट। अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अभी नए नए 11th में आए हो, तो एक तो चीज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती, कि वो कैसे लगाते हैं, एन अगर बेटा यहाँ बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह हटा के ये वाला लगा दो और कांस्टेंट को गायब कर दो, कांस्टेंट की जगह कितना आ जाएगा, 1/u। एन समानुपाती 1/u, इसको बोलते हैं विद क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ध्यान से सुनना लिखते कैसे हैं, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, कि सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर आप यू का वैल्यू बढ़ाओगे तो एन का वैल्यू कम हो जाएगा। मतलब सर, मतलब यू का वैल्यू जितना ज्यादा होगा ना, एन का वैल्यू उतना कम होगा। इसका मतलब तो सर ये हुआ कि न्यूमेरिकल नंबर जितना ज्यादा उसकी यूनिट उतनी छोटी, न्यूमेरिकल नंबर जितना ज्यादा यूनिट उतनी छोटी, न्यूमेरिकल नंबर कम कर दिया, न्यूमेरिकल नंबर कम कर दिया तो यूनिट क्या हो गई, बड़ी। तो बड़ी यूनिट कौन सी है बताइए, किलोग्राम, और छोटी यूनिट कौन सी है, ग्राम। पता चल गया नहीं चला, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, इस पर हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। पहले मैं आपका बेस बना रहा हूं बहुत तगड़े तरीके से, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, इसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर किया जाएगा। एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू और N1 बराबर N1U1 बराबर N2U2। यहां पर मेरा फिजिकल क्वांटिटी वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। क्लियर है वाली बात? अब सुनो, आज से बहुत टाइम पहले ये माना गया
कि फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं यानी जड़, जड़ के अंदर केवल तीन को रखा गया। किस किस को रखा गया? नंबर वन मास को रखा गया, नंबर टू लेंथ को रखा गया और नंबर थ्री टाइम को रखा गया। द्रव्यमान, लंबाई और समय, तीन को रखा गया है। किसके अंदर रखा गया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। और इन तीनों के लिए अलग अलग यूनिट सिस्टम बनाए गए। क्या बनाए गए बेटा? अलग अलग यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम का मतलब होता है कि भैया अपने इंडिया के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। कि सर हिंदी के नाम से जाना जाता है, हिंदी हिंदुस्तान। समझ में आई बात नहीं आई? हिंदी लैंग्वेज को बोला जाता है, ओके। चाइना में कौन सी बोली जाती होगी? चाइनीज। तो वहां पर कौन सा सिस्टम? चाइनीज। हिंदुस्तान में हिंदी सिस्टम, अमेरिका में इंग्लिश सिस्टम। समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही है? रूस में रशियन सिस्टम। तो अलग अलग के आ गए बेटा सिस्टम आ गए। इसी तरह यूनिट को नापने के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए गए कि कैसे। नंबर वन जो सिस्टम था वो था MKS। नंबर वन सिस्टम कौन सा था? MKS। अभी बताता हूं, रुजा देख, समझ में आएगा तेरे को। मास, मास को किसमें नापा जाता बेटा? मास को नापा जाता था किलोग्राम में, लेंथ को नापा जाता मीटर में और टाइम को नापा जाता था सेकंड में। कौन से वाले सिस्टम में मापा जा रहा है बेटा ये? MKS में। MKS, M, M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, S का मतलब होता है सेकंड। बोलो, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड। दैट मींस तीन फिजिकल क्वांटिटीज थी और तीनों की अलग अलग यूनिट थी। कि सर मास को किस में मापा जा रहा है? किलोग्राम में। अब मान ले अपन चले गए चाइना, तो चाइना में कौन सा सिस्टम चल रहा? अलग ही सिस्टम चल रहा है। इसी तरह यहां पर CGS सिस्टम आया। दूसरा क्या आया? CGS। अब आप मुझे बताओगे C का मतलब क्या होता है? बोलो कि सर सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। CGS खत्म हो गया। तीसरा सिस्टम आप याद रखोगे, तीसरा सिस्टम है बेटा मेरे पास FPS। कौन सा है? FPS। F का मतलब बताओ क्या होगा? फुट। F का मतलब क्या होगा? फुट। और फुट कौन सी भौतिक राशि होती है? लेंथ। तो यहां लिख देता हूं मैं फुट। P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकंड। S का मतलब क्या हो गया? सेकंड हो गया। बोलो भाई, अगर यहां तक आपके क्लियर है तो बहुत ही जोरदार फटाफट से ताली बजा लीजिए खुद के लिए। ये देखो थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है, खुद के लिए ताली बजा लो जोरदार, मजा आ गया होगा तेरे को। अब सुन, बिल्कुल बेसिक चैप्टर को कति भयंकर बेसिक से स्टार्ट करा है और इसको वहां तक लेकर के जाऊंगा, बिल्कुल बुर्ज खलीफा से ऊपर तक। कहां तक चलेंगे? बुर्ज खलीफा से ऊपर तक हम लोग चलने वाले हैं। सबसे पहले सुन लीजिए फटाफट से भैया, तीन सिस्टम बनाए गए आज से पहले, तीन ही सिस्टम माने गए। क्यों? कि तीन ही देशों के बारे में पता चला हमारे को। रशिया के बारे में पता चला हमें, हिंदुस्तान के बारे में पता चला हमें, चाइना के बारे में पता चला। अब साली दिक्कत आ गई यार। दिक्कत कहां पे आ गई? कि यहां पे तो सेंटीमीटर बोल रहे हैं, कहीं और पे मीटर बोल रहे हैं, कहीं फुट बोल रहे हैं, कहीं पाउंड बोल रहे हैं, कहीं सेकंड बोल रहे हैं। अलग अलग चल रहा है सिस्टम यार। तो साइंटिस्टों ने सोचा यार, ऐसा क्यों ना करें कि चाइनीज लोग जब इंडिया आते हैं तो उनको बात करने में दिक्कत होती है यार। चाइनीज लोग इंडिया आए तो उनको बात करने में दिक्कत है। वो चाइनीज बोल रहा है, हमारा भाई हिंदी बोल रहा है। मांगा कुछ, दिया कुछ, हुआ कुछ। पेट पे हाथ रखा, वो तो कह रहा पोटी आ रही है बहुत तेज, वो कह रहा उधर है भाई रेस्टोरेंट। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? लैंग्वेज नहीं है तो बहुत तेज। तो चाइनीज क्या कहेगा? शिंग चोंग पिंग, उधर चले जाओ, उसने तुम्हें रेस्टोरेंट भेज दिया खाने के लिए। तू देख रहा है खाना, खाना नहीं होना, फ्रेश होना है। समझ में? तो क्यों? लैंग्वेज का कम्युनिकेशन किया। तो भैया बहुत सारे लोगों ने सोचा यार एक लैंग्वेज बनाओ कॉमन। वो लैंग्वेज कौन सी बनाई? इंग्लिश। क्या कहा? आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए? इंग्लिश। अगर इंग्लिश है तो आप इजीली बात कर सकते हो। सेम इसी तरह साइंटिस्टों ने मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर एक सिस्टम बनाया। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर एक सिस्टम बनाया। सिस्टम को बोलते बेटा पद्धति। एस आई, एस का मतलब सिस्टम, आई का मतलब इंटरनेशनल, दैट मीन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एस आई सिस्टम, इंटरनेशनल लेवल पर एक सिस्टम बनाया और यूं कहा कि यार हम एक काम करेंगे, जितनी भी भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं,
उन सबका एक ही यूनिट रखो, दैट मीन्स इंडिया चाइनीज जो भी लोग आएंगे हमारे पास में, जब हम साथ में मिलकर बैठेंगे तो हम एक ही लैंग्वेज में बात करेंगे। उस हिसाब से ऐसा ही सिस्टम बनाया गया। और जब बहुत सारे साइंटिस्ट आकर के बैठे तो उन्होंने कहा यार तीन के अलावा और भी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर रखा जा सकता है, यानी जिन्हें मूल राशियों के अंदर रखा जा सकता है। तो टोटल कितनी निकल करके आएंगी बेटा मेरे पास? सात आएंगी। कितनी राशि आने वाली है? सात आने वाली है। तो ध्यान से सुनते जाइएगा फटाफट से। नंबर वन, पहले नंबर पर कौन सी थी बताओ? मास। दूसरी कौन सी है? लेंथ मतलब लंबाई। तीसरी कौन सी है? टाइम मतलब समय। मास, लेंथ, टाइम। इसके बाद लिखूंगा बेटा मैं करंट। करंट का मतलब लिख लो हिंदी में विद्युत धारा। करंट के बाद लिखो बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर को हिंदी में लिख लो बेटा तापमान। इसके बाद लिखो बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को क्या कहते हैं? ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी। जैसे आपको यहां पर ग्रीन लाइट दिख रही होगी ना, तो ये कितनी तेज चमकती हुई नजर आ रही है, कितनी इंटेंसिटी के साथ आपको दिख रही है ना, समझ में आया? ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद होता है हमारे पास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट है बेटा, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको बोलते हैं हिंदी में पदार्थ की मात्रा। तो कौन सा सिस्टम पढ़ा रहा हूं बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में जब बहुत सारे साइंटिस्ट आकर के मिले तो उन्होंने कहा भैया तीन नहीं बल्कि सात फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल राशियों में या मूल राशियों में रख सकते हैं। अब इनके मात्रक सुन लीजिए आप, और बेटा ये मात्रक आपके क्लास ट्वेल्थ तक काम आने वाले हैं। क्लास ट्वेल्थ तक ये ही मात्रक काम आने वाले हैं। क्लियर? सुनो, अब आप मेरे को बताना मास। मास का मात्रक रखा बेटा किलोग्राम। लेंथ, लेंथ का मात्रक रखा मीटर। टाइम, टाइम का मात्रक रखा सेकेंड। करंट, करंट का रखा बेटा एम्पियर। टेम्परेचर, टेम्परेचर का रखा बेटा केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका था बेटा कैंडेला। क्या था? कैंडेला, सीडी से लिखते हैं इसको। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो। ये टोटल सात राशियां मान ली गई। कितनी राशि मान ली भाई भैया? सात। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी 70 के आसपास की बात है। उसके बाद ये पता चला एक दो तीन चार पांच छह सात तो आपको याद होनी चाहिए। अब पॉइंट नंबर वन, मान लो आज से पहले आपके पास कोई भी फोन था, उस फोन में क्या आता है बोलो? अपडेट आता है, नहीं आता? हाँ सर अपडेट आता है। तो अपडेट आने के बाद क्या आपका फोन चेंज हो जाता है क्या? मान ले तेरे पास आईफोन 10 है, तूने अपडेट कर दिया तो आईफोन 16 हो जाएगा क्या? वो तेरे पास रेडमी जियो जो भी कंपनी का फोन है वो अपडेट करने के बाद चेंज नहीं होता, उसमें कुछ फीचर्स ऐड हो जाते हैं। सेम इसी तरह एक सवाल आपके लिए है कि एसआई पद्धति किसका अपडेटेड वर्जन है? एसआई पद्धति किसका अपडेटेड वर्जन, यानी कौन से सिस्टम को अपडेट किया गया? देखना एक बार, एम के एस। अच्छा सर, मतलब एम के एस को अपडेट कर दिया और उसमें कितनी क्वांटिटीज और जोड़ दी? चार क्वांटिटीज और जोड़ दी, और इसको नाम दे दिया गया एस आई सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। मीटिंग फिटिंग हो गई बहुत जोरदार, सात क्वांटिटीज रख दी कि अब जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी इन पर निर्भर करेंगी। जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो सारी की सारी किस पर डिपेंड करेंगी? इन सात पर डिपेंड करेंगी। कैसे करेंगी? एक मिनट का तो टाइम दे मेरे को, है ना, तभी तो समझा पाऊंगा। अब आया मजा, कैसे? कि सर जैसे आप लिखो सर चाल, आप लिखो चाल। चाल का मतलब क्या होता है? स्पीड। चाल का मतलब क्या होता है? स्पीड। चाल बराबर बोलो फॉर्मूला कितना होता है? दूरी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखना, क्या मैंने आपको सेवन फिजिकल क्वांटिटीज बताई है? हाँ सर बताई है। और क्या कहा ये सातों के साथ कौन सी है? फंडामेंटल है। हाँ सर फंडामेंटल है। और फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? कि सर ये किसी पर डिपेंड नहीं करती, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती। अच्छा, तो अब जो मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिखी है चाल, अब जो मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिखी है चाल, क्या ये उन सातों के अंदर थी? ये तो सर नहीं थी, ये तो उन सातों के अंदर नहीं थी। इसका मतलब ये डिपेंड करती है, किस किस पर डिपेंड करती है? ये
दूरी पर डिपेंड करती है और समय पर डिपेंड करती है। दूरी और समय पर डिपेंड कर रही है क्या बेटा? चाल, यानी जो स्पीड है वो डिस्टेंस और टाइम पे। सर टाइम तो उसके अंदर था लेकिन दूरी नहीं थी बेटा। जो लेंथ है ना, लेंथ माने लंबाई, लंबाई क्या है बोल? दूरी तो है यार, तू मानता हूं नहीं। अबे तू कितनी दूरी, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ये क्या है? दूरी है। अच्छा समझा कैसे डिपेंड कर रही है? दैट मीन्स सर जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं उन सभी के हमारे पास में फॉर्मूलाज होंगे। हाँ, उन सभी के क्या होते हैं? फॉर्मूलाज। मतलब फॉर्मूला जो होता है वो एक रिलेशन बताता है व्युत्पन्न राशियों में और मूल राशियों में, फंडामेंटल के अंदर और कौन सी थी वे दूसरी, ड्राइव क्वांटिटीज के अंदर रिलेशन बताता है। अब सुनो भैया, 7 तो इन्होंने बता दी, इसके बाद इनकी मीटिंग उठ उठा गई। इसके अलावा 2 क्वांटिटीज और ऐसी आई जिनमें यूनिट की जरूरत पड़ी। 2 क्वांटिटीज ऐसी आई, अब यूनिट की जरूरत पड़ी तो कैसे नाम दिया सर उनको? उनको नाम दिया बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट, या इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, क्या बोलते हैं? मैं पूरक, पूरक मात्रक या पूरक राशियां। अब पूरक राशियां कौन सी थी? 2 फिजिकल क्वांटिटीज छुपी रह गई थी। मान ले कोई बच्चे ने सारे एग्जाम पास कर लिए, सारे पेपर पास कर लिए, लेकिन एक पेपर में अगर वो फेल हो जाता है तो क्या आता है बताओ? सप्लीमेंट्री आता है। ऐसे ही ये फेल हो गया, फेल हो गया मतलब इसका ये पेपर छूट गया, तो ये क्या आ गई बेटा? सप्लीमेंट्री आ गई। सप्लीमेंट्री के अंदर कितनी राशियां रखी गई हैं? 2 राशियां रखी गई हैं, और वो दोनों राशि कौन सी हैं? एंगल। दोनों राशि कौन सी हैं? एंगल। एंगल का मतलब होता है कोण। एक है बेटा सॉलिड एंगल और एक है मेरे पास प्लेन एंगल। सॉलिड का मतलब होता है ठोस कोण और प्लेन का मतलब होता है समतल कोण। ये जो सॉलिड वाला है ये होगा 3D में और ये वाला कोण बनेगा 2D में। एक कोण बनेगा 3D में और एक कोण बनेगा किसके अंदर? 2D के अंदर। के सर कैसे समझे नहीं, मेरी बात समझ तू? समझा कैसे नहीं? यहां देख मेरे पास, इधर चल दिया नियर, देख ये क्या बना दिया सर? ये तो सर्कल है, बना दिया सर्कल। सर्कल ये रहा, इसमें सारे एंगल बनाओ, एंगल बना रहा हूं बेटा इसमें, देख सर्कल में एंगल बना रहा हूं, ये बन गया ले एंगल। सर्कल में क्या बना दिया मैंने? एंगल बना दिया। एंगल को क्या बोल रहा हूं? थीटा। ओके सर, तो क्या ये प्लेन में है? हाँ सर, ये तो प्लेन में है। प्लेन में जो एंगल बनता है वो कौन सा होता है? वो प्लेन एंगल होता है। और जो आप सिलेबस में पढ़ोगे वो कौन सा होगा? पूरा का पूरा यही होगा। ओके सर, तो इसकी मात्रक निकालते हैं, इसकी यूनिट निकालते हैं। देखना यूनिट कैसे निकलेंगी। दिक्कत ये है कि यार इनको है ना सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर क्यों रखा, रीजन समझिएगा। थीटा बराबर मेरे को फॉर्मूला बताइए आप कितना होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो हम शायद पहला लेक्चर ये थीटा वाला तो है ना बेसिक मैथमेटिक्स में, तो बता दे बेटा फटाफट से थीटा का फॉर्मूला कितना होता है। थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, यानी चाप बटे त्रिज्या। थीटा बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। अब चाप बता कौन सा है कि सर ये है चाप, क्या ये लंबाई है? हाँ सर ये लंबाई है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? केसर मीटर अपॉन त्रिज्या, ये है रेडियस। क्या ये भी लेंथ है? हाँ सर ये भी लेंथ है। इसका मात्रक भी क्या होता है? मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, मीटर से मीटर कट गया, और मीटर से मीटर कटते ही गड़बड़ हो गई, ये तो यूनिट लेस हो गया। लेकिन थीटा के अंदर यूनिट का होना बहुत जरूरी था कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसके लिए इसमें जो यूनिट रखी गई वो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, और याद रखना प्लेन एंगल के लिए जो SI यूनिट है वो क्या होता है? रेडियन। SI यूनिट क्या होती है? रेडियन। और सॉलिड एंगल के लिए जो यूनिट का मात्रक है वो होता है स्टेरेडियन। वो क्या होता है बेटा? स्टेरेडियन। याद रखना है, केवल एग्जाम में तो आता नहीं है ना ही हमारे यूज में आता है सॉलिड एंगल, केवल कौन सा आता है? प्लेन एंगल यूज में आएगा। सर सॉलिड समझा तो दो एक बार, अब ये तेरे को समझाऊं क्या? देख चल गोला ही बना देता हूं, ये ले सॉलिड का मतलब तू ले ले फुटबॉल। सॉलिड का मतलब क्या ले ले तू? एक फुटबॉल ले ले। फुटबॉल में अगर आप अब एंगल बनाओगे, फुटबॉल में आप अगर एंगल बनाते हो ना बेटा,
तो फुटबॉल में एंगल इस तरीके से नहीं निकलेगा, याद रखिए, फुटबॉल में ऐसे निकलेगा जैसे आइसक्रीम का कोन। सर्कल में तो सीधा निकल गया 2D के अंदर, ये 3D में है तो 3D में जो एंगल निकलता है वो निकलता है आइसक्रीम का कोन। ये वाला कोन मान ले तू, ये ले छीटा। अब सुन, यहां तो सर लेंथ थी, बिल्कुल लेंथ थी, यहां पर सर लेंथ नहीं है, लेंथ नहीं है तो बेटा यहां पर क्या है, एरिया। यहां पर क्या है, ये एरिया है। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, थीटा बराबर एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया सर, बेटा एंगल कौन सा है, 2D नहीं है 3D एंगल है, तो रेडियस का स्क्वायर होगा। और एरिया का फॉर्मूला जनरली क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो ये भी यूनिट लेस हो गया, ये भी क्या हो गया बेटा, यूनिट लेस हो गया। और यूनिट लेस होने की वजह से इन दोनों को किसके अंदर रखा गया, सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर रखा गया है। तो याद रखिएगा, टोटल फिजिकल क्वांटिटीज में दो तरह की क्वांटिटीज हैं, नंबर वन एसआई सिस्टम में कितनी है बता, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और दो कौन सी है, सप्लीमेंट्री। तो टोटल कितनी हो गई, 9, 7 + 2 = 9। अब इनके अलावा जो भी क्वांटिटीज आएंगी वो सारी की सारी कौन सी होंगी, ड्राइव। इनके अलावा कोई भी नाम ले दूं मैं, इनके अलावा कोई भी नाम ले दे, सारी की सारी कौन सी होंगी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज होंगी। ये टॉपिक खत्म हो गया मेरा पूरा का पूरा फिजिकल क्वांटिटीज का। दैट मीन सर, फिजिकल क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में यूनिट, पहली बात। दूसरी बात, न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के। तीसरी बात बेटा, जो मूल राशियां हैं, मूल राशियां कितनी आ रही हैं, 7। चौथी बात, इसके अलावा बची कुची कौन सी राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां। पांचवी बात, दो कौन सी राशियां हैं बताओ, सप्लीमेंट्री या पूरक राशियां। दो कौन सी हैं, सप्लीमेंट्री या पूरक राशियां। तो ये जो लेक्चर है आज का, वो केवल और केवल इंट्रोडक्शन है किसका, यूनिट एंड डायमेंशन का। अब इसमें मैं तेरे को एक चीज सिखाता हूं, यूनिट कन्वर्जन। देख कैसे, कुछ प्रीफिक्स होंगे बेटा, उनको है ना तू यार सीधा याद कर लेना। अगर तुम्हें इस चीज में दिक्कत आती है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 नैनोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो इसकी चिंता छोड़ो, एक टेबल बता रहा हूं, इसको याद रख ले, रैप है रैप, आ जा सुन। देसी, फिर याद कर बेटा सेंटी, फिर याद कर बेटा मिली, देसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो और एटो। क्या बात है, मजा ही आ गया। देसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, याद कर ले, याद कर ले, देसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, देसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। ये ले ले, आजा ओ आजा बेटे आजा। 10^-1, 10^-2, 10^-3, रुक जा, हाँ 4 नहीं है, मजे थोड़ी है भाई, 4 नहीं है। अब 3 की टेबल आ जा, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 जा 9, 3 जा 3 3 9, 3 6 12, 3 5 15, 3 6 18, ओ हो। बोलो भैया, तो सर ये क्या करूं मैं इसका, कुछ मत कर, याद कर ले इसको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, नैनो पिको फेमटो एटो। सिंबल याद कर ले, कुछ कुछ के सिंबल याद कर ले, डेसी कुछ भी नहीं है, सेंटी कुछ भी नहीं है, मिली कुछ भी नहीं है, माइक्रो ये माइक्रो का सिंबल है म्यू, ये नैनो का सिंबल है एन, ये पिको का सिंबल है पी, बस 3 याद कर ले। कि सर कैसे करूंगा मैं अब इसको, मान ले मैंने कहा 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, किसमें बेटा, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, अब बता यूनिट, तू तो मेरे को यूनिट बता, यूनिट क्या होती है, कि सर यूनिट तो मीटर होती है, आपने बताया था, हाँ मैंने बताया था, और मिली क्या आ गया, मिली आ गया बेटा पूर्व लगन, मिली को मिला दे इससे तो ये मिल गया 10^-3, मतलब 1 की जगह 1 लिख, मिली की जगह लिख 10^-3, और मीटर की जगह मीटर, कहानी खत्म, चल जा घर चला जा, बोल दे बेटा मजा आ गया हो तो, बोल दे तू बता, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, सर सेंटी, सेंटी का मतलब -2, चल हट -2 लिख, मीटर की जगह मीटर लिख, कहानी खत्म। अच्छा सर ये होता है क्या, हम तो सोचते थे बहुत सारी यूनिट होती हैं, अभी यूनिट तो एक ही मीटर।
सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, जितनी भी लगाना चाहे लगाता रहे। तो ये पावर किस में है बेटा? मेरे पास में माइनस, माइनस में। जिस तरह मेरे पास माइनस में पावर है उसी तरह मेरे पास प्लस में पावर आने वाली है। आ जा, उसका नया सीरीज है डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरा पीटा, मेगा जीजा, जीजा नहीं है बेटा गीगा, मेगा गीगा टेरा पीटा, टेरा पीटा। आ जा, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पीटा। डेका, डेका का मतलब क्या हो गया? 10 की घात प्लस का 1 प्लस के 2, किलो 10 की घात 3, मेगा पाराबोल 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12 और 3 5 15, 1 2 3 फिर 3 का पहाड़ा। अब बता, आ जा जल्दी जल्दी जल्दी। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? सर किलो आगे, सर किलो आगे, सर किलो आगे, किलो की जगह लगा दी 10 की घात 3, किलो की जगह क्या लगा दिया? 10 की घात 3 लगा दिया। तो बेटा ये कुछ क्या थे? पूर्व लगन थे जो आपको सीधे सीधे आने चाहिए यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए। चीजें बहुत आसान है, टफ नहीं है। आज के लेक्चर में हमने केवल और केवल इंट्रोडक्शन जाना है, किसका? यूनिट एंड डायमेंशन का। कल से शुरू होने वाला है बवाल चीज, एकदम बहुत ही भयंकर। तो तैयार रहिए फटाफट से हमारे साथ पढ़ने के लिए। जितना पढ़ाया जाता है उसके पूर्ण रूप से नोट्स बनाई है, और साथ में वीडियोस का जो मीडियम रहेगा, दोनों रहेंगे, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तीसरी बात, ये जो लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं ये केवल और केवल कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए बनाए जा रहे हैं, जिससे आप कॉन्सेप्ट तगड़े हो जाए। समझ में आ रही बात? और कुछ रीजन नहीं है। तो फिर मिलते हैं हम आपसे कल से, इस चैप्टर को शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। धन्यवाद।